है कि अभी हम तो सोच नहीं सकते, कुछ अर्सा पहले तक ये चीज़ें सामने नहीं थी, हम ये तवक्को किए बैठे थे मुस्लिम वर्ल्ड कप। वैसे तो उम्मा की बात हमारे यहाँ ही की जाती है, बाकी दुनिया में तो कि मुसलमान मुल्कों में उम्मा उस तरह की वो नहीं है। हम ही हर जगह ये नारा मारते थे मुस्लिम उम्मा मुस्लिम उम्मा, हम लोग सेक्रीफाइसेस करते थे हमारे लोग या वट एवर जो भी था। अब नई चीज़ें जो रियलिटीज़ हो रही हैं, एक तस्वीर ये भी बन रहा है, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, कुछ डिप्लोमेट्स इन चीज़ों को समझते हैं, मैंने समझने की कोशिश की है, वो ये कहते हैं कि शायद हम लोग जो हैं हम वो नो और नेवर पे चले गए हैं, या तो ये सब लोग हमारे साथ हैं या कोई हमारे साथ नहीं है। कहते हैं कि उनका ये कहना है कुछ डिप्लोमेट्स का, वो कहते हैं ये पॉलिसी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो हम बना रहे हैं इट्स ए डेंजरस फॉर पाकिस्तान, कि अगर हमने हर एक को कहना है कि इधर यू आर विद अस आर अगेंस्ट अस, देर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड। कहते डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये चीज़ें नहीं होती कि आप अपने दोस्त मुल्कों को ऑप्शन देते हैं, या आप हमारे साथ हैं या हमारे दुश्मन के साथ हैं। वो इसकी आके मिसाल जब सऊदी अरेबिया या यूएई या इसकी बात करते हैं, दीगर ममालिक जो उनके G7 में बैठे हैं, वो कहते हैं जहाँ पे हम बैलेंस नहीं स्ट्राइक कर सके, OIC से लेते हैं जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने ब्लास्ट किया, कहते अब ये रिजर्वेशन आप प्राइवेटली भी कन्वे कर सकते थे। अगर आपने इस तरह करना है कि जो आपके दोस्त हैं एक बैलेंस अगर वो रख भी रहे हैं इंडिया और आपके दरमियान, सपोजली बिजनेस उनके इंटरेस्ट हैं जैसे यूएई के बहुत ज़्यादा हैं, इसके बाद सऊदीज़ के बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपने जब उनको उसमें ऑप्शन एक दे दिया है कि आपने अगर कश्मीर पे हमें सपोर्ट नहीं की तो आप हमारे दोस्त नहीं है, तो कहते बिजनेस आपके रिलेशन भी तो रहे ना कुछ अर्सा पहले, अभी भी तो आपने भी तो एक्सेप्ट किया हो ना इंडिया को, या तो इंडिया को हमने एक्सेप्ट, बल्कि बाज़ एक ने तो यहाँ तक कहा कि आपने बांग्लादेश को भी एक्सेप्ट किया जो इतना बड़ा हमारे लिए डिजास्टर था, बांग्लादेश को एक्सेप्ट करते हैं हमने, आखिर रिकग्नाइज़ किया हुआ है, इंडिया को रिकग्नाइज़ किया हुआ है, अगर उन मुल्कों ने किया हुआ है उनके बिजनेस इंटरेस्ट है तो फिर हमें उनके जरिए इंडिया पर दबाव डलवाना चाहिए था, कंसेशन लेनी चाहिए ताकि इंडियन के उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो बात उसने असीरी साहब ने भी लिखी थी कि जनाब अगर सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट बढ़ते हैं या इंडिया के हमारे बढ़ते हैं तो ये क्लाउड हम कल को इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया के साथ, कि भाई साहब आप पाकिस्तान का तल्लुक ठीक रखें या कश्मीर पे सलूशन हो सकता है। लेकिन अच्छा पाकिस्तान का बड़ा दिलचस्प उसके ने जो मुझे थोड़ा सा उन्हें समझाने की कोशिश की, कहते पाकिस्तान इसलिए कश्मीर पे उनकी सपोर्ट चाहते अरब वर्ल्ड की, वो ये कहता है कि पिछले 72 साल से हमने अनकंडीशनल आपको फलस्तीन पर हमने आपको सपोर्ट दिए, हमने इसराइल के साथ तल्लुकात हमने ख़राब किए, हमने कभी फ़ायदा नुकसान नहीं देखा, हमें इसराइल का बहुत बड़ा ज़्यादा उसका नुकसान हुआ, इंडिया के साथ उनकी दोस्ती हुई, तल्लुकात बढ़ गए, डिप्लोमेटिक हुए, वेपन्स वगैरह हमने, अगर अरब वर्ल्ड की कास्ट पे हमने दोस्ती नहीं की, हमने रिकग्नाइज़ नहीं किया इसराइल को, हमने कहा अरब वर्ल्ड जो फैसले करेगा ना इसराइल पर हम उसके पीछे खड़े होंगे। कहते पाकिस्तान ने बिल्कुल ज़ाती दोस्ती की तरह अब वही एक्सपेक्ट करते कश्मीर पे जो हम फैसला करेंगे पूरे अरब वर्ल्ड पीछे खड़े। कहते ये चीज़ें इस तरह नहीं होनी थी, हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ये ना हो कि इंडिया को आइसोलेट करते करते पता ये चले कि जो सबसे बड़ी आपकी सपोर्ट थी, सबसे बड़ी आपकी मार्केट थी, लाइफ लाइन थी, आपने वो लाइफ लाइन छोड़ के महज एक उसके कश्मीर के इशू पे, कहते कंटिन्यू रखें ना, हम अपना दावा रखे हुए हैं इंटरनेशनल फोरम पे, लोकल फोरम पे, सो दैट्स वेरी, एक आपको लगता है इसमें बात कि हमने नो और नेवर वन, हमारा कश्मीर का कानूनी केस तो है मगर हमारा इंसानी केस भी है कि वहाँ पर ज़्यादा हो रही है इंसानी तौर पर जो है, और फलस्तीन के साथ भी हमारा जो नज़रियाती और इंसानी हवाले से ज़्यादा है कानूनी से ज़्यादा, पर हकीकत यह है कि पिछले 20-25 साल से हमने क्या अरब वर्ल्ड ने पैलेस्टाइन को अबैंडन कर दिया, तो वो हमारा कश्मीर का क्या एहसान मानेंगे, उन्होंने खुद ही पैलेस्टाइन को अबैंडन कर दिया है, तो यूएई के और सऊदी अरेबिया के पिछले 10-20 साल से इंटेलिजेंस के और बाकी काफ़ी खुफिया जो है ना तल्लुकात हो गए, सिर्फ अनाउंस अब किया है मगर वर्चुअली जो है इसमें कुछ ढकी छुपी बात नहीं थी कि इनके अंडरग्राउंड तल्लुकात जो है ना यूएई के इसराइल से इस्टेब्लिश हो चुके हुए थे, तो ये सिर्फ अभी सरफेस पे आए हैं। बाकी जो आपने बड़ी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात की है, पाकिस्तान पूरे इस वक्त मिडल ईस्ट में मुसलमान ममालिक जो हैं वो सारे ब्लॉक्स में बटे हुए हैं, हम वाहिद मेजर कंट्री हैं जिसके पास अभी भी ऑप्शन है कि हम सालों के साथ हैं, अभी भी हैं, हमारे हमारी पॉलिसी भी बड़ी क्लियर है और हम उसी को अभी तक कोशिश कर रहे हैं करवाने की कि हम तुर्की के साथ भी रखना चाहते हैं, ईरान के साथ भी रखना चाहते हैं, GCC कंट्री अरब गल्फ की कंट्री भी रख सकते हैं, कतर के साथ भी रखना चाहते हैं, हम इराक सीरिया सारों के साथ जो पावर पे बगैर नहीं रह सकता। आपने जो हालात हम देख रहे हैं वहाँ मिडल ईस्ट में जिस तरह के, मुझे लगता है अपनी जैसे आपने भी कहा मोनार्कीज हैं वहाँ पे सऊदी अरेबिया यूएई या दीगर ममालिक, वो तो लगता है अपनी एक सर्वाइवल के जंग के लिए उन्होंने इवन जाके उसके इसराइल के साथ तल्लुकात ठीक किए हैं अगेंस्ट कि ईरानियन थ्रेट है, टर्किश है, कतर है, मलेशिया वगैरह है, अब वहां पे तो मुझे गुंजाइश तो नजर नहीं लाती, और हमने आगे आ रहा हूं पे स्टैंड लिया, हम तो ऑलरेडी वो कर चुके ये हैं, पहले की सिचुएशन थी। अभी जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हम ये जो चाइना की तरफ जो बहुत ज्यादा बात करते हैं वो उससे रिलेटेड है,
क्योंकि ये बिल्कुल पक्की बात है, अभी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन खासतौर पे ऐसी नहीं है कि हम ये अपनी लाइफ लाइन यूएई और गल्फ कंट्रीज़ को छोड़ सकें या उनकी मदद के बगैर रह सकें, मगर पूरी दुनिया में ये एक रीअलाइनमेंट हो रही है, इस खत्ते में खासतौर पे हो रही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो ये जो गल्फ़ की तेल बनाने वाले मुल्क हैं, इनकी जो प्रॉफिट हैं तेल में से 1 ट्रिलियन से 300 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं, सो 1/3 पे रह गया है। और ये आइंदा जो जो सऊदी अरेबिया की खबरें आ रही हैं कि मज़ीद उनके यहाँ उनको टैक्स पहली दफ़ा लगाना पड़ रहा है, वैट लगा दिया उन्होंने, उसके बाद टैक्सेस ले रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और वहाँ पे ये प्रॉब्लम रहेगी वहाँ पे। तो ये वो जो पेट्रो डॉलर्स का जिसके लिए इनके पीछे जाते थे, तो नेक्स्ट जो है हम पहले भी चीन के साथ हमारा ताल्लुक है पर अब सीपैक की वजह से हम ज़्यादा जुड़ गए हैं और हम उसको पहले हमने उसका इस्तेफादा नहीं किया था और उसकी तरफ ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल हम उसको देख रहे हैं मगर वो स्टेज नहीं है कि सऊदी अरेबिया और इनको छोड़ के चीन के साथ कर रहे हैं। चाइना जो है इस वक्त हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह कुरैशी साहब वो चाइना गए हुए हैं, बल्कि चाइना गए थे और जो वहाँ पर एजेंडा ले के गए, चीज़ें ले के गए, उससे मुझे ये फील हो रहा है, एक इम्प्रेशन है, प्लीज़ ना करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान ने शायद अरब वर्ल्ड से हाथ शायद अपने या तलुकात किसी डिलीट तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन बड़ी हद तक पाकिस्तान ने अपने आप को ये कंसीडर कर लिया कि अरब वर्ल्ड जो है, क्योंकि सऊदीज़ वो जिनको G7 जिनको हम कहते हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप जो हैं शायद वो ना रहें जो पहले हैं, हम एक नए ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली हम फौरी तौर पर चाइना की तरफ जो गए हैं, चाइना के साथ तलुकात हम बेहतर बना रहे हैं, नए ब्लॉक की जो बातें हो रही हैं, ये तरह तीनों चीज़ें ये इकट्ठी हो रही हैं कि आपको लग रहा है कि हमने पाकिस्तान से अरब वर्ल्ड से हमने हाथ अपने आप को पीछे कर लिया कि बस काफ़ी हो गया हम नई चीज़ों की तरफ जाएंगे? ये तीनों ही बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात ये कि यूएई का जो है ये क्योंकि बहुत बड़ा इस पूरी क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी में इतना बड़ा इंसिडेंट है कि मिस्र और उर्दन के बाद जो है यूएई ने जो तल्लुकात बहाल किए हैं वो उससे पूरी अरब वर्ल्ड खिता मिडल ईस्ट और साउथ एशिया तक ट्रेमर्स उसके हर जगह गए हैं, पूरा खुत्ता हिल के रह गया है, तो बहुत बड़ा इवेंट है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जो तमाम अरब मोनार्कीज़ ख़ास तौर पे हैं वो जो अरब स्ट्रीट है ना वहाँ जो आम आदमी के उससे थोड़ा सा खौफजदा रहता है, ये एक वहाँ पर इशू है, ये थोड़ा सा कर गया बैकफायर। यूएई को दो अश्योरेंसेस उन्होंने बताई थी कि जनाब एक तो ये कि वो जो वहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर वो जो एनेक्स कर रहे थे ज़मीनें तो एक तो वो रोक लिया है और दूसरा उन्होंने कहा जी हमें दफाई अमूर के लिए अमेरिका जो है ना F-35 जो है ना जहाज़ और बाकी चीज़ें वो देगा। दोनों पे इसराइल भी बैकआउट कर गया और अमेरिका भी बैकआउट कर गया है कि इसराइल की तरफ से अब ये आ गया है कि नहीं जनाब हम रोक नहीं रहे, हम सिर्फ सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि पहले ही कहा जा रहा था कि इतनी बड़ा इवेंट नहीं था, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है शायद, मगर अब वो कह रहे हैं, वो भी नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं सस्पेंड कर रहे हैं। दूसरा इसराइल ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि जनाब नहीं अभी भी हमें एतराज़ है कि F-35 जो है ना वो अभी अरब कंट्रीज़ को देने पर हमें बहुत सख्त एतराज़ है, तो वो भी अपनी जगह आ गया। उसके बाद ये हुआ कि अब क्योंकि सऊदी अरेबिया भी बैकआउट कर गया, पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ले ली कि जनाब जब तक अमन नहीं होता तो हम जब तक जो है इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेंगे, तो ये जो उम्मीद की जा रही थी कि एकदम 9 पिंस की तरह ये बाकी सारे भी मुसलमान ममालिक एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे वो रुक गया और सड़कों के ऊपर अरब फीलिंग जो है ना वो बढ़ गई है। और जिस तरह के अब हमारे हम पहले ही सऊदी अरेबिया से अपने मामला ठीक कर रहे थे कि थोड़ी सी जो दरार आई हुई थी और कल आपने हो गई है वैसे। कल आपने देखा कि कल सऊदी अरेबिया के सफीर जो हैं वो शिबली फराज साहब से मिले हैं, उनको एक तो मीडिया पे उनके यहाँ उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया है, पर उनको इतराज़ ये है कि जो एंकर या जो सहाफ़ी बड़े करीबी समझे जाते हैं इमरान खान साहब के या PTI के, जब वो हर्जा सराई करते हैं सऊदी अरेबिया की तो वो समझते हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट करवा रही है। तो और आज तक क्योंकि सऊदी अरेबिया को बैड प्रेस पाकिस्तान में मिला नहीं है और ना लोगों के एक अपनी अफिलिएशन है, एक मजहबी सो उनके लिए नई चीज़ होगी कि यहाँ से अभी आजकल ज़्यादा हसास हुए हुए हैं क्योंकि उनकी सिचुएशन सऊदी अरेबिया के अंदर काफ़ी प्रकेरियस है, वहाँ भी उनकी इकानमी बड़े बुरे हालात में है, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, तो वो बड़े हसास होते हैं जब पूरे ये इस्लामिक वर्ल्ड में। दूसरा उनको ये रहता है कि जनाब आप हमारे हमें जो है ना हम क्योंकि सऊदी अरेबिया हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप की बात जो है ना वो आप जब कहते हैं
कि अर्दगान साहब इस्लामी उम्मा के या महातीर को बहुत ज़्यादा उठाते हैं, आप ऊपर उठाते हैं, इमरान खान साहब उनसे बड़े इंस्पायर्ड हैं, तो हमें लगता है कि आप कह रहे हैं कि जनाब अरब सऊदी अरेबिया हमेशा अपने आप को हरमैन शरफैन की वजह से वो समझते हैं कि इस्लामिक उम्मा की लीडरशिप का उनका एक इनका उनका हक है शायद, तो उनको पाकिस्तान से फिर वो वाला गिला होता है कि आपसे तो ये उम्मीद ना थी, इस टाइप की बातें थी। थोड़ी सी सुना है कि बेहतर हुई हैं मामलात, के अभी आपने खबर देखी होगी कि पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया के जो फौजी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं उसको हमने अपग्रेड कर दिया है, बल्कि आपको भी पता है मगर मैं मजीद नाजरीन के लिए दोहरा दूँ, खबर एक है जो कि मेरे लिए भी बड़ी और आपके लिए भी कंसर्न वाली खबर थी कि यूएई जो था वो ये गौर कर रहे थे, उनके यहाँ ये सजेशन आई थी कि वो शायद अपनी अफवाज को जो थोड़ी सी उनकी हैं इंडिया में ट्रेनिंग के लिए वो इसको कंसिडर कर रहे थे, जिससे कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है बहुत सख्त एतराज़ था, तो भी वो डिसवेड हो गया, ये एक बड़ी खबर है।